तो भाई पिछली एपिसोड में हमने बल्तोरो ग्लेशियर को ट्रेवर्स किया था। कूदने और फलांगने में भाई ने महारत भी हासिल कर ली थी। अब्दुल जोशी से मुलाकात करने के बाद हम गुम हो गए। लोगों के लगाए हुए पत्थरों ने हमारे लिए रास्ता बनाया। रात को बल्तोरो ने हमें बहुत डराया। कल रात को यहाँ पे आया था एक एवलांच। शानदार नजारों का लुत्फ उठाते उठाते पहुंच गए हम कनकॉर्डिया। उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हों, वो हजार पर्दा नशी से। पहाड़ों का बादशाह केटू। It's been a special journey for all of us. जब से मैं पहाड़ों में 1998 से जब से ट्रैवल शुरू किया है, तब से ये बकेट लिस्ट पे था कि केटू बेस कैंप जाना है। When I came here and I just looked around, it was just overwhelming. I was quite emotional actually. खुद तो हम यहाँ ही खड़े हैं, मगर रूह है हमारी किसी और जहाँ। I think something, some places like this should be like that. It should be a pilgrimage kind of thing to get to. ऐसे है जैसे पिछले 5 दिन की ख्वारी ने दिया है इस एक पल को मानी। केटू बेस कैंप ट्रैक भी अकेला करना चाहता था। ओह। क्योंकि मैं इस साल से पहले कभी भी किसी ग्रुप के साथ कहीं नहीं गया। हर वक्त आप ये नहीं कह सकते कि दोस्तों का इंतजार करते रहेंगे। एक दोस्त जिसने आपके साथ जाना है, जब वो मानेगा तभी आप जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस मैन। सब्सक्राइब। यू हैव ईयरफोन्स? या या, आई हैव वन। यू गॉट योर ईयरफोन्स? या या। यू श्योर? नो। रास्ते बड़े हुए मिले थे मुझे। पहाड़ आपको ना एक कदीम सी कैफियत में ले जाते हैं। सर से ख्यालात की धूल मिट जाती है और हम एक दफा फिर से नाचने लगते हैं। सुना है मनु भाई के यहाँ पे 8-8 दिन नजर ही नहीं आता है। बस देखो, खुशकिस्मत है हम। और खुशकिस्मत है तो हम पर जिम्मेदारी भी है टू टेक केयर ऑफ मदर नेचर, ताकि हमारे बाद आने वाले लोग भी इस जगह को अपनी पूरी खूबसूरती में देख सकें। ये सब लोग जाना चाहते हैं गोंडोगोरोला। गोंडोगोरोला के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो ये कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा गोंडोगोरोला कितना खतरनाक है। मतलब एक एक्सपीरियंस एडवेंचरर वकास सिद्दीकी अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं गोंडोगोरोला पे। खैर, कौन गोंडोगोरोला जाता है, कौन गोंडोगोरोला नहीं जाता, ये डिसीजन जो है ये सरबाज और साथ के दरमियान ली जाएगी। और लोगों को अपने आप को प्रूव करना है। जो कैंप पहले पहुंच रहे हैं, टाइम पे पहुंच रहे हैं, उनको मोस्ट प्रॉब्ली चांस दिया जाएगा। गोंडोगोरोला से अगर आप वापस आ रहे हो ना तो आपको टाइम कम लगता है वापस पहुंचने में, तो एक बेनिफिट तो है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन, खेल के मैदान में खुशामदीन। आइए, इस वक्त हम जा रहे हैं टेस्टिंग स्लोप की जानिब, जहां अपो अली रजा चीफ ट्रेनर भी हैं और चीफ सेलेक्टर भी। ए अपो, अपो पुलिंग ऑल ऑफ आवर फोर्स एंड मूविंग इट विद आवर हैंड्स। सबसे पहले मैदान में फैलांग के आते हैं रॉक डेमेलो, और बुलंदियों से स्पाइडरमैन की तरह अपो अली रजा आके देते हैं उनको रस्सा, और रस्से से झूमर लगा लगू के रॉक डेमेलो चढ़ने की कोशिश करते हैं पहाड़ी। अहमद भी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी चाल में है फिसलाव। ऊपर से नीचे आते हैं अली रजा और कहते हैं ब्रो तुमसे ना हो पाएगा। देखो बशारत भाई किस तरह कर रहे हैं। बशारत भाई को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी लेकिन आते साथ ही देखो इस तरह चढ़ रहे हैं। फिर जवाब में अहमद कह रहे हैं कि वो उनकी तरह नहीं, वो एक मुनफरिद इंसान है। फिर हसान बिन रिजवान मैदान में कदम रखते हुए कहते हैं कि बच्चों की तरह नहीं लड़ना चाहिए। और फिर एजान अहमद इन हादसात से उलझ के फिर भी खेल में शिरकत करते हैं। डरो नहीं ब्रो। हेलो ब्रो। फिर एहसान की कारकर्दगी पे उस्ताद ने उसको दाद दी। ये चीज ब्रो। और साथ ही दिखाने लग गए हैं उस्ताद के वो उस्ताद क्यों माने जाते हैं। वाओ वाओ माशाल्लाह ब्रो, आपने तो कमाल किया ब्रो। बाकी कैसे? बहुत जबरदस्त ब्रो। आर यू गोना गो देयर आफ्टर दिस? एंड आई एम नॉट गोना फॉरगेट टू रोल द गोप्रो।
आदत से मजबूर माँ ने अहमद की दुखती रगों पे नमक छिड़का, मगर वो वाकई गोप्रो रोल करना भूल गए थे। और फिर एकदम से मौसम की तब्दीली से मेस टेंट में खलल सा पैदा होने लग गया। Sir Rock, where are you going? और फिर मौसम ने हम पे जादू सा कर दिया और ऐसी बातें करने लगा जैसी हमने इससे पहले कभी ना सुनी थी। सोए हम कनकौड़िया में थे और उठने के बाद तो लग रहा है कि जैसे हम केटू की चोटी पे उठे हैं। अभी अहमद, रियली डजंट लुक लाइक द प्लेस वी स्लेप्ट एट। यहाँ से अगर आप यूँ देखते हैं तो वेदर साफ हो तो आपको केटू नजर आता है। इस कंडीशन के अंदर सीनियर्स ने कई दफ़ा केटू बेस कैंप जा चुके हैं, उनका फैसला ये है कि कोशिश भी करना बेवकूफी होगी। कल जाने का प्लान बन रहा है। कहाँ जाने का? जा रहे हैं कि 5 घंटे में बेस कैंप पहुंचेंगे, 2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर 5 घंटे वापस आ जाएंगे एक दिन के अंदर। और इसमें सर रॉक आप जा रहे हैं? अपने व्यूज दे देता हूँ। आते हुए हमारे पास कोई आगे गाइड नहीं था और 6 क्रेविसेस थे और सारे क्रेविसेस विजिबल थे। एक क्रेविस उसमें से उसके ऊपर स्नो था थोड़ा सा और वो भी विजिबल था। उसमें मैं सीरियसली मैंने देखा कि यार अगर ये और स्नो होती और ये ब्लॉक होता तो हम यहाँ पे गिर जाते हैं। आते हुए G2 था, गोरिल्ला गोरो वन से गोरो टू, गोरो वन से सॉरी सॉरी गोरो वन से गोरो टू जब हम आए हैं तो मुरू भाई और मैं अकेले हो गए थे, हमारे साथ कोई बंदा नहीं था और हम लोगों ने पूरा ये किया है। हर जगह पत्थर लगे हुए थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन ये उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ इफ द वेदर परमिट्स। यस ओके फाइन, If Farooq is insisting, then I will do it. I will. Keep the spirit high. I don't want this. Base camp जाने वाले लोगों में मैं तो शामिल नहीं हूँ। एक तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ और साथ में मुझे अभी कुछ और भी बातें करनी हैं इन पहाड़ों से। It's gonna be a tough trek. तो good luck किसान। चलें फिर निकलते हैं bro. जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वैसे कभी सोचा नहीं था ब्रो कि मैं इस तरह हाइकिंग में घुसाऊंगा, वो भी इतने दिल से, इन पहाड़ों के दरमियान इन खूबसूरत लेक्स के साथ मैं भी चल रहा हूँ। क्या बात है सुहेल भाई? हेलो हसन भाई, क्या हाल है आपके? और हसन भाई स्कूल से पहुंचे हैं, शुक्र है अल्लाह का। हम हैं इस वक्त ब्रॉड पीक बेस कैंप। ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी है और ये हमारे पाकिस्तान में 6वें नंबर पर है। और ये भाई हमें रास्ता गाइड कर रहे हैं, कहते हैं आगे चुरंगी से लेफ्ट हो जाना। ब्रो जब जाना होगा मैं तो शॉर्टकट ही लूँगा, मगर वो बाद की बात है, अभी हमें जाना है K2 बेस कैंप की तरफ। मेरे K2 बेस कैंप जाने की वजह है अली भाई। अली भाई के साथ मैंने बहुत कम वक्त गुजारा, मगर ये वक्त बहुत कीमती था, मुझे इनकी बातें बहुत याद आती हैं। आइए हम आपको अली भाई के बारे में बताते हैं। जाते जाते मतलब पहाड़ के अंदर खो जाता हूँ जी, साथी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको भूल जाता हूँ। 4 फरवरी की रात पाकिस्तान के अजीम कोहपेमा मोहम्मद इसल पारा अपने साथियों के हमरा कैंप 3 से K2 समिट की तरफ रवाना हुए, इस अज़्म के साथ कि वो तारीख में पहली मरतबा मौसम सरमा में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम K2 की चोटी पर लहराएंगे। वो अपने मिशन में शायद कामयाब हो भी गए, मगर वतन की मोहब्बत में की गई इस कोशिश के दौरान उन्हें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। समिट पुश पर जाने वाली टीम में मोहम्मद अली सतपारा के फरजंद साजिद अली सतपारा भी उनके हमरा मौजूद थे, मगर ऑक्सीजन रेगुलेटर मैल फंक्शनिंग की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। साजिद ने 5 फरवरी की पूरी रात कैंप 3 पर अपने वालिद का इंतजार किया। 6 फरवरी की सुबह जब वापसी की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो साजिद ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ वापसी का सफर अकेले तय किया। वालिद और उनको दोनों का बड़ी दोस्ती थी तो उसको छोड़ के आना ये बड़ी बात है, विंटर्स में वो भी अकेले। साजिद की बहादुरी, उसने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया, उसने समझा, उसने वो की ना एग्जामिंग की अभी मुमकिन नहीं है, तो जो डिसेंट की उसने बहुत जबरदस्त। हेलो ब्रदर, आप जा रहे हैं? जी जी, हम अभी K2 साइट मिशन पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, फिर समिट तक हमने सर्च करके वापस आना।
पाँच महीने बाद साजिद सतपारा एक मरतबा फिर केटू की बुलंदियों पर जा रहे हैं। इस मरतबा इनका मकसद अपने बाबा को तलाश करना है। और अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा की लाश मिल गई है और वजीरे तला दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी पर 8400 मीटर की बुलंदी पर जाना, दो रातें डेथ जोन में गुजारना और फिर सिंगल हैंडेडली अपनी वालिद की बॉडी को रिट्रीव करके कैंप 4 तक लाकर दफनाना, ये काम सिर्फ अली सतपारा का बेटा ही कर सकता है। सारी टीम की बॉडीज हमें मिली है, लेकिन जो वालिद और जान स्नोरी की जो बॉडीज है वो बहुत टेक्निकल प्लेसेस पे है। केटू बेस कैंप करीब एक चट्टान पर गिलकी मेमोरियल है। जो क्लाइमर केटू बेस कैंप से वापस नहीं लौटते उनकी याद में यहाँ तख्ते लगाए जाते हैं। हमने भी अली भाई की याद में यहाँ पे तख्ते लगाए और साद भाई ने उनकी याद में चंद अशआर पढ़े। तेरे सिवा तो तू ही बता के मैं क्या करूं। मेरे दिल को प्यारे अली भाई, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और आज हम आपसे ये अहद भी करते हैं कि अपने हीरोज को गुमनामी में नहीं रहने देंगे, हम उनकी जिंदगी में ही उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। ए केटू, ए पहाड़ों के बादशाह, गवाह रहना, हम अपने अहद की निगहबानी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।